कल का चैप्टर था चैप्टर सेकेंड, आरंभिक मानव की खोज। आज हम चैप्टर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, भोजन संग्रह से उत्पादन तक। चैप्टर थर्ड, भोजन संग्रह से उत्पादन तक। जब आज हम किसी भी रेस्तरां में जाते हैं, बैठते हैं, फिर एक वेटर आता है बड़ा सा मीनू कार्ड लेके, 50 प्रकार की डिशेज उसमें मेंशन होती हैं, जैसे शाही पनीर, चिली पनीर, दाल मखानी, दाल फ्राई, पिज्ज़ा, बर्गर और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का। हम तो उतना जानते ही नहीं हैं, आप लोग और ज़्यादा जानते होंगे। कोई हमको पसंद आ गया, हमने कहा भाई ऑर्डर दे देते हैं, टेस्ट किया जाए। टेस्ट किया गया, लेकिन उस खाने से पहले कभी हमने या आपने कभी ये सोचा कि इस भोजन को, जो एकदम मॉडिफाइड फूड है आज हम जो खा रहे हैं, इसके पहले प्राचीन काल में कैसे इसका, इस अनाज का उत्पादन किया गया होगा, कितनी कठिनाई से उत्पादन किया गया होगा, कितनी तपस्या उत्पादन किया गया होगा, या आई कैसे, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, आगे करने वाले हैं। इसीलिए बार बार आपके पेरेंट्स, बड़े बुजुर्ग, सरकार, सभी लोग कहते हैं भोजन का एक दाना थाली में मत छोड़िए, क्योंकि बड़ी तपस्या से किसान पैदा करते हैं। एक अनाज का टुकड़ा उगाने में उनको कितने पसीने बहाने पड़ते हैं, ये शायद जब हम सभी लोग खेतों में जाते हैं तब हमको पता चलता है। आगे चलते हैं कि कैसे ये भोजन हम लोग शुरुआत में हमने कैसे उत्पादन करना सीखा। नंबर एक पे हम आते हैं भोजन। विभिन्न प्रकार के जो भोजन हैं, उस समय मेनली कुछ अनाज होते थे, उस समय एकदम लिमिटेड, जैसे धान, गेहूं, जौ, ये सब हुआ करते थे। और पशुपालन भी इसी में, पशुपालन, जब पशुपालन करेंगे तभी तो पशु हमें मिलेगा, वो भी भोजन का हमारे एक हिस्सा हुआ करते थे। अब धान, गेहूं और जौ में चले आइए। अब ये धान, गेहूं और जौ अलग अलग जगहों में, जहां पे उनके अनुकूल वातावरण होता था वहीं पे उपजाए जाते थे। ये धान के लिए आपको पानी की ज्यादा आवश्यकता है, तो भाई जहां पानी ज्यादा होगा वहीं धान उपजाया जाएगा और दूसरी जगह तो उपजाया नहीं जाएगा। गेहूं, जौ के लिए कुछ और क्लाइमेट की आवश्यकता है। पशु, हम लोग पशु भी उस समय रखा करते थे ताकि आवश्यकता पड़ने पे दूध लिया जा सके, और बकरी, भेड़, इन सबका मांस भी खाया करते थे उस समय के लोग। अब यहीं से हमने सीखा धान और गेहूं या जौ का उत्पादन करना। धान का हमने थोड़ा उत्पादन किया, डंठल मजबूत थी, फिर उसका बीज रख दिया अपने घरों में, फिर नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट सीजन में उसको हमने फिर बोया, फिर ग्रो कराया। ऐसे गेहूं का भी, ऐसे जौ का भी, फिर उन इस खेती भी करना शुरू कर दी हम लोग। हाँ, उसका देखभाल भी करना शुरू कर दिए कि कीड़े मकोड़े से उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, फिर पानी कैसे उसमें दिया जाए, एक समय पर निश्चित अवधि पर पककर तैयार हो जाए, फिर उसका भंडारण कैसे किया जाए, कहाँ पर रखा जाए जिससे वो सड़ने न पाए, उनसे भी उसकी सुरक्षा की गई। अब इसी प्रकार हम पशु पे आ जाते हैं, पशुओं को भी हमने आकर्षित करना शुरू किया, उनके लिए भी थोड़ी चारागाह की व्यवस्था की अपने घरों के किनारे, वो चारागाह चरते थे और हमारे अनुकूल जो पशु होते थे उनको हम अपने घरों में या अपने बाड़े में पनाह दिया करते थे। जैसे सबसे प्रारंभ, सबसे पहला जो पशु था जो हम, जिसको हमने पालना शुरू किया, वो है कुत्ता।
कुत्ते को हमने सबसे पहले पालना शुरू किया, उसके बाद में हम भेड़ बकरी वगैरह ये सब भी पालना शुरू किए कि ये सब भी पाले हमारे लिए भोजन का काम करेंगे। अब ये जो पशु थे जो एक अब इसमें कैटेगराइज हो गया, इस पशु में एक हो गया जंगली पशु, एक हो गया पालतू पशु। अब इन दोनों में डिफरेंस हुआ, अमूमन जो पालतू पशु होते जिनको हमने पालना शुरू किया उनके दांत छोटे छोटे होते हैं, सींगें छोटी होंगी। जंगली पशु थोड़ा खतरनाक किस्म के होते, आज भी हैं खतरनाक किस्म के हैं जंगली पशु, खतरनाक थे ताकि हम पर हमला कर सकते थे। पालतू पशु हमारे नज़दीक रह के हमको जान समझ गए, यहाँ भाई ये मानव ही है, कोई इनसे हमको खतरा उतरा है वे नहीं, ठीक है कोई दिक्कत है वे नहीं, हाँ कोई बाहरी व्यक्ति आएगा तो देखेंगे कुत्ता है मान ली भोंकेंगे वगैरह वगैरह। अब चलते हैं आगे बसने की प्रक्रिया। आप कहीं एक जगह क्यों बसते हैं? आपको जो न्यूनतम संसाधन है उस जगह पे अवेलेबल हो जाया करते हैं, उस समय की बात है। अब अगर हमें एक जगह जहां पे हम धान गेहूं ये सब कलेक्ट कर लिए उपजा रहे हैं तो वहां पे ग्रो कराने लगे धान और गेहूं को, हमें अनाज मिलने लगा, हम भंडार करने लगे, भोजन हमें मिलने लगा, तो वहां पर हम बसना शुरू कर देते हैं और हम उन्हीं फसलों का इस्तेमाल करना शुरू किए जिसको हम आसानी से उपजा सकें या उस समय अवेलेबल थे, धान गेहूं जो मेनली यही अवेलेबल थे हम एक जगह उसको, और पानी वहां पे व्यवस्था मान ली है तो मिल गया पानी और उपजाना शुरू कर दिए। ये आपका फसल के संदर्भ में है। अब इसी में पशु के संदर्भ में आगी बात, अब हम वहां पर पशुओं को भी पालना शुरू कर दिए, हमारे घर के बगल में चारागाह की व्यवस्था हुई, पशु भी चरने लगे। हमने पहले भी बताया कुत्ते को हमने सबसे पहले अपना बनाया पालतू पशु, उसके बाद भेड़ बकरी को बनाया, कुत्ते सुरक्षा करते थे हमारी, भेड़ बकरी को हमने इसलिए बनाया ताकि हम आवश्यकता पड़ने पर मांस खा सकें। अब ये भी हमने बताया कि पालतू पशु और जंगली पशु में दोनों में डिफरेंस होता है, कारण इसके पहले हम बोल चुके हैं, बताने की आवश्यकता है नहीं। अब ये बसने की जो प्रक्रिया है ये 12,000 वर्ष पहले से पूरी दुनिया में शुरू हुई, अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्लाइमेट के अनुसार जहां पे जो अवेलेबल हो सकता था वहां पर शुरुआत हुई, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। अब एक बस्ती चली गई, एक नवीन जीवन शैली। अब जब बसने की प्रक्रिया हो गई तो एक नवीन जीवन शैली आई, उस समय आज नहीं उस समय हमें अनाज मिल रहा है, हम खेती कर रहे हैं, हम भंडारण कर रहे हैं, सब कुछ यथानुरूप जो न्यूनतम आवश्यकता थी वो हमको खाद्यान्न अवेलेबल हो जा रहा है, खाद्यान्न यानी भोजन। नंबर दो पशुपालन भी हम कर रहे हैं, गाय से दूध भी हमको मिल जा रहा है, भेड़ बकरी भी पाल रहे हैं, कुत्ता भी पाल रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो गया एक जगह पर, पर्टिकुलर प्लेस पर। अब जिस पर्टिकुलर प्लेस पे ये सब काम कर रहे हैं उसको धीरे धीरे बस्ती का रूप दिया गया। अब ये तीनों हमने अलग अलग रूप में बताया, तीनों मतलब में भोजन नंबर एक, नंबर दो पशुपालन, नंबर एक भोजन, नंबर दो पशुपालन, इन दोनों की आवश्यकता मनुष्य को हुई।
कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति सर्वाइव करेगा उस समय, तो इन दोनों की आवश्यकता होगी। हमने भोजन के लिए बता दिया, खेती करना हमने धीरे 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 प्रारंभ किया। पशुपालन की आवश्यकता क्यों हुई? ताकि हम दूध ले सकें, पशुओं का मांस भी खा सकें। ये तीन, ये एक मनुष्य, भोजन, पशुपालन, ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड थे। अब ये तीनों हमको हमारे क्लाइमेट के अनुसार जहाँ भी अवेलेबल थे वहाँ पर एक हमने बसना प्रारंभ कर दिया, यानी छोटी सी बस्ती धीरे तैयार हो गई। अब आगे, अभी हम एक आपको चार्ट बनाते हैं यहाँ पर, उस चार्ट के द्वारा आप जान लेंगे कि कहाँ कहाँ भारत में कहाँ कहाँ पर क्या क्या फसल ग्रो कराई जाती थी उस समय, और कौन कौन से पशु उस समय अवेलेबल थे या पालन किया जाता था, और उनके साइट्स के नाम भी बता देंगे। उस चार्ट को आप कंसंट्रेट होके देखिएगा और रटने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से अनाज या कौन कौन से पशु पाले जाते थे, पूरा हमने एक चार्ट अवेलेबल करा दिया है। अब इसमें एक एक साइट हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, ये मेहरगढ़ पाकिस्तान में जो पड़ता है वहाँ पर ये इसके एविडेंस मिलते हैं। चावल, हड्डियों के टुकड़े, कोल्डिहवा, उत्तर प्रदेश से। चावल, गेहूं, दलहन, मवेशियों के खुरों के निशान, महागड़ा, यूपी से। गेहूं, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, बुरजोम, कश्मीर से। गेहूं, जौ, भैंस, बैल, चिरान, बिहार से। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, हल्लूर, आंध्र प्रदेश से। काला चना, ज्वार, बाजरा, भेड़, सुअर, पय्यमपल्ली, आंध्र प्रदेश। सारे साइट्स अवेलेबल नहीं है, जितने हैं उतने अवेलेबल यहाँ पे करा दिए गए हैं। आप ये मान के चलिए इस चार्ट से एक क्वेश्चन आईएएस का आपको मिल जाएगा। पूछ लिया, चावल की प्राचीनतम खेती के साथ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, पूछा गया आईएएस में, कोल्डिहवा, उत्तर प्रदेश से। ये चार्ट अगर आप आपके ब्रेन में है, पय्यमपल्ली साइट पूछ लिया कि इसकी लोकेशन क्या भाई, आंध्र प्रदेश। हल्लूर कहाँ भाई, आंध्र प्रदेश। चिराग कहाँ है, बिहार। क्या प्राप्त हुआ चिराग से, गेहूं, जौ, भैंस, बैल। आप जो चार्ट देखेंगे तो आपके ब्रेन में एसिमिलेट हो जाएगा और शायद फिर भूलने की गुंजाइश न रहे। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता, अरे उसमें हमने चार्ट में देखा बुरजोम कहाँ है, बुरजोम तो कश्मीर में, अच्छा यहाँ पे क्या होता है, गर्तावास होता है, या ये गेहूं, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस के यहाँ पे एविडेंस प्राप्त होते हैं। अब अस्थाई जीवन की ओर हम देखते हैं कि एक एविडेंस आपको मिलता है बुरजोम कश्मीर से। यहां पर एक साक्ष्य हमें मिलता है गर्तावास का, गर्तावास यानी मनुष्य जमीन के अंदर एक गुफा बना के रहता था भाई, उसकी इसको क्या आवश्यकता पड़ी, गर्तावास जमीन के अंदर, और उसमें जाने के लिए सीढ़ियां भी लगा के रखा था। ठंडी ज्यादा पड़ती रही होगी, आज भी कश्मीर में ज्यादा ठंडी पड़ती है, तो वो ठंड से सुरक्षा करने के लिए एक कारण हो गया, जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करने के लिए। बाहर अभी हम एक बिल्डिंग मकान बना नहीं सकते, जमीन ही खोद के अंदर बना लिया जाए, इसके लिए ये इनका एक अस्थाई आवास, अस्थाई जीवन की ओर अब बढ़ चले हैं, अस्थाई जीवन की ओर। अब ये मानो अस्थाई जीवन की ओर बढ़ चले, जिसका एक साक्ष्य आपको गर्तावास के रूप में बुरजोम कश्मीर में प्राप्त होता है। अब एक और बात मैं आपको बताऊं, पूरा पाषाण और नवपाषाण, यहां पर एक डिफरेंस क्रिएट होता है, परिवर्तन क्रिएट होता है। पूरा पाषाण काल के औजार बड़े होते थे, नवपाषाण काल के औजार छोटे होते थे, नुकीले होते थे, थोड़ा डेवलपमेंट हुआ उसमें, यहां भी विकास हुआ। अब आगे चलते हैं, अब ये जो परिवर्तन हो रहा है यहां पर, ऐसा नहीं कि सब जगह एक साथ परिवर्तन हो जा रहा है,
अलग अलग क्लाइमेट के अनुसार अलग अलग जगहों पर अलग अलग परिवर्तन हो रहा है। इसलिए यहाँ पर कहीं पर गर्तवास हो गया, कहीं पर कुछ और हो गया, कहीं पर रहने के साधन कुछ और हो गए, कहीं पर कोई अनाज और पैदा किया जा रहा है, कहीं पर कुछ पशुपालन कुछ और किया जा रहा है। हाँ, लेकिन जो अवेलेबल है उसी के अनुसार, ऐसा नहीं कि कुछ आज का जो याक एनिमल उस समय पाला जाता रहा होगा, ऐसा नहीं है। जो उस समय अवेलेबल थे उस समय के अनुसार, जहां पर वो सर्वाइवल हो सकता था संभव, उसके अनुसार वो परिवर्तन या डेवलपमेंट हो रहा है। विद्वानों के अनुसार कृषक और पशुपालक समूह में जो लोग रहा करते थे उन्हें जनजाति कहा जाता था, जनजाति उस समय, आज भी कहा जाता शेड्यूल ट्राइब कहा जाता था, कृषक और पशुपालक के रूप में, कृषक और पशुपालक के रूप में विद्वानों के अनुसार। ध्यान दीजिएगा यहां पर पुरातत्वविदों के अनुसार नहीं, विद्वानों के अनुसार। इनका काम क्या था? एक समूह में रहते थे, खेती किसानी करते थे, अनाज उत्पादन करते थे, पशुपालन करते थे। इनका एक अपना रीति रिवाज हुआ करता था। उसी को फॉलो करते थे जो ट्रेडिशन में चला आया पहले से परंपरा, उसी को फॉलो करते थे। महिलाएं आमतौर पर खेती करती थी, धान रुपाई, धान काटना, घर में लाना, खाना बनाना, ये सब काम महिलाओं का उस समय जनजातियों में जो था विद्वान था वो महिलाएं करती थी। और जो पुरुष वर्ग था वो पशुओं को बाहर चराने जाते थे। इन दोनों के काम यहाँ पर डिवाइड हो गए कि क्या काम। आज भी नॉर्थ ईस्ट में आप देखते हैं ये शेड्यूल ट्राइब एक लार्ज स्केल पे हैं, और आज वो एक खेती की नई पद्धति है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसको एडॉप्ट किया है उन लोगों ने। एक जगह रहते थे, खेती करते हैं, आज भी खेती करते हैं, वहां जब जमीन बैरन हो गई तो फिर वो अपनी खेती को किसी दूसरे जगह शिफ्ट कर दिए और वहां पर भी पेड़ को काटकर फिर वहां खेती करना प्रारंभ कर दी। इसी वजह से इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा गया। ये आज भी है, और उस समय की जो बात थी वो हमने बता दिया यहां पर कि रीति रिवाज का पालन करते। हाँ, रीति रिवाज का पालन आज भी करते हैं। उनका रीति रिवाज तो ऐसा कि अगर आपने इंटरफियर कर दिया तो सबसे बड़े दुश्मन आप हैं भाई। अगर फॉलो कर रहे तो आप क्यों डिस्टर्ब करने जा रहे हैं उनको? अंग्रेजों ने जब जब डिस्टर्ब किया तब तब ये हमला किए उस पर, बिरसा मुंडा बिहार में। उनको लगा कि हमारे जो ट्रेडिशन है, हमारे कल्चर को अंग्रेज नष्ट कर रहे हैं, बस हमला किया उस पर। दो साइड्स का हम माइन्यूट ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, आपके बुक में भी है। नंबर एक, मेहरगढ़। नंबर दो, दाजली हेडिंग। नंबर एक मेहरगढ़ में हम मेहरगढ़ देखते हैं, ईरान वाले रास्ते में, विश्व वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। सबसे पहले यहां पर गेहूं और जौ का उत्पादन शुरू किया गया। भेड़ बकरी पशुपालन के साथ भी यहां से प्राप्त होते हैं। यहां पर एक और खास बात थी कि मनुष्य के साथ जानवरों को भी दफनाया जाता था। जैसे एक कब्र में यहां से मिलकर प्राप्त हुआ है कि बकरी को मनुष्य के साथ दफनाया गया है। इसके पीछे क्या मंतव्य रहा होगा? उनका ऐसा मानना था, एक मतलब तो है कि सम्मान प्रकट करने के लिए, दूसरा उनका ऐसा मानना था ये परलोकवासी हो गए, हो सकता परलोक में भोजन वोजन ना अवेलेबल आता हो तो भोजन वोजन कर लिया करेंगे। आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, आज साइंस टेक मजबूत हो गया है। अब उस समय भाई जानकारी नहीं थी उन्हें तो ऐसा करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। सेकेंड पे हम आ जाते हैं दाजली हेडिंग। ये चीन और म्यांमार के रास्ते पर पड़ता, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी से एक पहाड़ी पर पड़ता है। यहां से हमें एक काठास्म प्राप्त हुआ है। काठास्म लकड़ी इतनी प्राचीन हुई कि वो एकदम
पत्थर हो गई, बहुत कठोर वो लकड़ी। यहां से हमें खल और मूसल के भी अवशेष प्राप्त होते हैं, इसका मतलब धान उनको भी कूटते रहे होंगे, कुछ अपना काम करते ही रहे होंगे। यहां से हमें जेडाइट पत्थर, जेडाइट पत्थर ये भी प्राप्त हुआ है, जो कि चीन से मंगाया जाता था, इसका मतलब कुछ व्यापार उपार टाइप में भी कोई बात रही होगी। ये पूरा आपका दाउजली हेडिंग है, मेहरगढ़ एंड दाउजली हेडिंग, ये दोनों आज के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 भोजन संग्रह से उत्पादन तक जितना भी कंटेंट अवेलेबल था एनसीईआरटी में, और जो थोड़ा हमसे संभव हो सका है, हमने पूरा का पूरा डिस्क्राइब आपको कर दिया है। यहाँ से आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे, एक आध प्रश्न तो आपके एकदम तय है मान के चलिए। और एक और खास बात है, इतिहास का जो डेवलपमेंट चल रहा है ध्यान से समझने की आवश्यकता है, कैसे कैसे चल रहा आगे, कंटिन्यू करते जाएंगे तो सौ में आएगा बढ़िया से। और फिर एक और खास बात बताएं, कल हमारा संडे को मैंने शुरुआत में इंट्रो में ही बताया था कि संडे का लेक्चर हमारा ऑफ रहेगा, हम मंडे टू सैटरडे ही कंटिन्यू करेंगे आगे, परसों मिलते हैं फिर, धन्यवाद।